तो दुनिया को अपना डेमोक्रेटिक ज्ञान पेलने वाला अमेरिका आज अपनी ही डेमोक्रेसी से जूते खा रहा है। और आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि डेमोक्रेटिक का मतलब असल में होता क्या है। नमस्कार दोस्तों, लिबरल पंडित के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आपने ये देखा होगा कि इंडिया में जब भी कोई प्रोटेस्ट होते हैं, बेसिकली प्रोटेस्ट यानी पीसफुल प्रोटेस्ट, तो अमेरिका की कुछ बहुत ही ज्यादा लिबरल जो मीडियाज होते हैं, मीडिया हाउसेस होते हैं, वो उस प्रोटेस्ट को रायॉट का नाम देकर बड़ी बड़ी हेडलाइन में लिखते हैं और इंडियन गवर्नमेंट को कोट करते हैं, उनको सप्रेस करते हैं कि उनको डेमोक्रेसी चलाना नहीं आता। CNN is now ready to project. Too early to call. और डेमोक्रेसी का ज्ञान पेलते हैं कि डेमोक्रेसी कैसे चलाते हैं। इवन नरेंद्र मोदी, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको वो रैसिस्ट, फैसिस्ट और डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव फैलाने वाला नेता और दुनिया भर के तमाम भारी भारी भरकम शब्दों से कोट करती है। मैं इतना तो जरूर विश्वास करता हूं कि आप लोग, बाकी विषयों में मेरा क्षमता के विषय में शक होगा, आपका अभिप्राय भी अलग अलग हो सकता है, अभी इसमें मोदी को ज्यादा ज्ञान नहीं है, इसमें कम अनुभव है, सब होगा। लेकिन एक विषय में आपको जरूर, एक विषय में आप मानते होंगे कि मेरी राजनीतिक सूझबूझ तो है। Sorry to interrupt, Wolf. It's your once and future president here with an important election update. लेकिन आज ये सारी जो फोटोज नजर आ रही हैं, वो उस बात को डिस्क्राइब करती हैं कि ज्ञान पेलने में और ज्ञान सिखाने में बहुत ज्यादा फर्क होता है। लेकिन रियल और फेक डेमोक्रेसी में क्या अंतर होता है, उससे पहले मैं आपको वॉशिंगटन की कुछ पोस्ट दिखाना चाहता हूं। को मिटाने के लिए हम आपको आगे आना पड़ेगा, हमारे आपके आगे आने के बाद ही खैर, इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद वॉशिंगटन में 15 दिन का कर्फ्यू तक लगाया गया है। एक तरीके से ये समझ लीजिए कि जो इमरजेंसी लगाई जाती है, जो कि इंदिरा गांधी के समय में लगाई गई थी, मजा आया, कुछ उसी तरीके के हालात इस समय वॉशिंगटन में भी हैं। जो डिस्क्राइब करते हैं कि अमेरिका में इस वक्त की डेमोक्रेटिक कंडीशन क्या है। दोस्तों, जो भी आपने क्लिप्स देखी, उसमें कोई जय श्री राम बोलने वाला इंसान नहीं है, उसमें सारे के सारे पढ़े लिखे लिबरल देश के लिबरल लोग हैं, जिनकी उदारता की दुनिया प्रशंसा करती है, क्योंकि दुनिया को लगता है कि अमेरिका के जो डेमोक्रेटिक रूल्स हैं, वो दुनिया में सबसे ज्यादा सुप्रीम है। और दुनिया को अपनी डेमोक्रेटिक रूल्स बनाने से पहले एक बार अमेरिका की डेमोक्रेटिक किताब को पढ़ना बहुत जरूरी है। Wait till they get a load of me. This election, so historic, so crucial. Perhaps a president who does not wish to murder me. अभी जो आपने क्लिप्स देखी, उसमें वॉशिंगटन डीसी के कैपिटल हिल, जो कि अमेरिका का पार्लियामेंट समझ लीजिए, उसके अंदर की ये सारी चीजें हो रही थी। सोचने वाली बात है दोस्तों, अमेरिका वो देश जो अपने आप को सबसे ज्यादा पावरफुल बताता है और अपनी सिक्योरिटी को लेके दुनिया में एक अलग छवि बनाने में कामयाब रहा है, उसके अंदर ये सब कुछ हो जाता है, जहां अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट की टेबल पर एक कॉमन मैन, अमेरिका का एक साधारण इंसान, उस टेबल पर जूता रखकर बैठा हुआ है। दूसरी तरफ एक इंसान ने तो पूरा का पूरा वो माइक ही उठाकर अपने घर ले जाने लगा। दोस्तों, यहां पर यह ध्यान देना होगा कि ये सारी चीज, सारी लड़ाई जो है, वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की प्रेसिडेंशियल की गद्दी को लेके हो रही है। आप जानकर अमेज हो जाएंगे, जहां अमेरिका में इतना बड़ा बवाल हो गया है एक प्रेसिडेंट की गद्दी को लेकर, वहीं दूसरी तरफ इंडिया में अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे भी 13 दिन की उनकी सरकार इसलिए गिर गई थी क्योंकि एक बहुमत की सीट उनके पास कम थी, और उस वक्त जो उन्होंने कहा था, उससे अमेरिका को सीख लेनी चाहिए। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी,
मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। दोस्तों ये थी इंडिया की डेमोक्रेसी और ये है अमेरिका की डेमोक्रेसी। और उन्होंने इस बात पर कोई भी गुंडे नहीं बुलवाए, उन्होंने कोई भी हंगामा नहीं किया। वहीं अमेरिका में दोस्तों इस बात पर लड़ाई चल रही है कि अमेरिका के जो आम लोग हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के पास ज्यादा वोट आए थे, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। उनका यह भी कहना है कि जो उनके वोट्स थे उसके साथ छेड़छाड़ की गई है, जिसकी वजह से वो यूएस के इलेक्शंस हार गए। दोस्तों 6 जनवरी को यहां पर एक्सचेंज ऑफ पावर होने वाला था, यानी डोनाल्ड ट्रंप के जो चार्जेस थे वो जो बाइडेन के पास आने वाले थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि अमेरिका के जो लोकल समर्थक थे उन्होंने वॉशिंगटन डीसी के इसी कैपिटल हिल में चढ़ाई कर दी और पूरे इस संसदीय क्षेत्र को घेर के रख लिया। इवन ये भी पाया गया है कि 4 लोगों की मौत हो गई है और अमेरिकी संसद के अंदर गोलियां तक चलाई गई, और ये अपने आप को सुप्रीम लीडर ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं। दोस्तों सुप्रीम लीडर ऑफ डेमोक्रेसी बोलने से पहले इन्हें इंडिया की तरफ एक बार जरूर देखना चाहिए। इंडिया में इतनी ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इतने सारी पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शंस लड़ती हैं, जो हमारी इलेक्शन कमीशन है उस पर इतने ज्यादा एलिगेशंस लगाए जाते हैं, लेकिन फिर भी ये सारी चीजें शांतिपूर्वक हो जाती हैं, कोई दंगा नहीं होता। होता भी है तो इस लेवल का नहीं होता कि पूरी संसद को ही घेर लिया गया हो। और अमेरिका जो अपने आप को एक सिक्योरिटी के मामले में बहुत ही ज्यादा सुप्रीम दिखाता है, जैसे कि हॉलीवुड मूवीज में भी ये दिखाया जाता है कि वो कितने ज्यादा सिक्योर अपने अमेरिका को लेके। दोस्तों ये इस फोटो ने इस बात को दिखाया है कि अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट के टेबल रखने वाला ये इंसान उस टेबल तक पहुंच गया और इस इंसान को कुछ भी नहीं हुआ, तो ये इस बात को डिस्क्राइब करता है कि वहां की कितनी अच्छी सिक्योरिटी है। यहां तक कि जो कांग्रेस सेनेटर की जो टेबल होती है वहां तक कुछ लोग पहुंच गए और अपनी फोटो शूट करवाने लगे। ऐसा लग रहा था कि अंदर पिकनिक मनाने आए हैं लोग, प्रोटेस्ट करने नहीं आए हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर यह ध्यान देना होगा कि अमेरिका जो अपने आप को डेमोक्रेसी का देवता मानता है, दुनिया को डेमोक्रेसी के बारे में ज्ञान पेलता है, इवन इंडिया के कुछ इंटरनल मैटर्स पर भी अपनी डेमोक्रेसी थोपने की कोशिश करता है और इंडिया को डेमोक्रेसी सिखाने की बात करता है, उसको एक बार इंडिया से सीखने की जरूरत है। और इस वक्त खासकर सीखने की जरूरत है, क्योंकि असल में दोस्तों डेमोक्रेसी अगर कहीं से पैदा हुई है तो वो इंडिया से ही हुई है। लेकिन खैर दुनिया ने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया, दुनिया वेस्टर्न कल्चर की तरफ झुकती नजर आई और अभी भी झुकती नजर आ रही है। लेकिन जो रीसेंट एक्टिविटीज हुई हैं वो इस बात को डिस्क्राइब करती हैं कि असल में डेमोक्रेसी इंडिया में ही पाई जाती है, जहां इतनी ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी होने के बावजूद ऐसी कोई तस्वीर कभी सामने नहीं आई है कि प्रधानमंत्री मोदी की टेबल पर कोई चढ़ जाए और अपना जूता उस टेबल पर रख के उस टेबल को डिसग्रेस करे। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पूरा एपिसोड आपको समझ में आया होगा। और अगर आप मेरे चैनल द लिबरल पंडित पर नए आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।